दोस्तों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम सिर्फ तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये तीन कैटेगरी को अच्छे से समझ लेते हो तो काफी आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से डिस्कस करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। साथ में मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा और हम अलग अलग वेराइटी के कैट के और दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना एंड इसको लाइक भी जरूर से कर देना और शेयर कर देना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो अनअकैडमी के, तो ये कोड SHA10 यूज करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी वेराइटी है SICI के क्वेश्चन की। सो द फर्स्ट वेराइटी इज सिंपल SINCI बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है या फिर सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में कंपेयर करना है। तो ये एक वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम देखेंगे। दूसरी वैरायटी जो आती है उसमें पर्टिकुलरली वो लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एन ईयर्स के बाद का एन एन प्लस वन या एन प्लस टू ईयर्स के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट दे देते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आपको कुछ अमाउंट या कुछ और ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सके। तो ये एक वैरायटी हो गई। और जो थर्ड वैरायटी है वो इंस्टॉलमेंट की है। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कभी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है, कभी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है। वंस अगेन इंस्टॉलमेंट कैन बी बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इट कैन बी बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। सबसे पहले आप लोगों को ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो याद कर लेने। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला, उसमें भी कंपाउंडिंग एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो जल्दी से इसको देख लेना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये टेबल। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा रादर, कि आप ये जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं और साथ में जो टोटल इंटरेस्ट आता है ये आप अगर याद रख लेते हो तो इससे आपको फायदा हो सकता है। अगर कैट में उसका क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे जो एग्जाम से IFTZ या स्नैप उसमें डेफिनेटली फायदा होगा। अब ये क्या इंडिकेट करता है वो समझ लेते हैं। तो गाइज अगर आप कोई प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, राइट। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आ जाएगा 1.1025। कैसे आया? 1.05 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो अगर आप देखोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 10.25%। बहुत ही आसान है ये याद करना, तो आप अगर कोशिश करोगे ये याद रह जाएगा। तो ट्राई कर लेना, क्योंकि ये जो है जैसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 ईयर्स का पीरियड है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1.157625। बट आप रेट ऑफ टोटल जो इंटरेस्ट आपका आता है वो अगर आप देखते हो तो वो कैसे आएगा, 1.05 का क्यूब करने से आएगा। तो ये आप अगर याद कर सको तो काफी फायदा होगा इससे। 2019 में या 20 में इसका एक क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। फिर अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए, आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.21, मतलब टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो 21% ऑफ द प्रिंसिपल होता है। सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका हो जाता है 1.331, 1.1 का क्यूब। तो उसकी वजह से आपका जो टोटल इंटरेस्ट आता है वो होता है 33.1%। सिमिलरली 20% के लिए भी आप याद रख सकते हो 44% एंड 72.8%। तो अगर आपने ये टेबल अब तक नहीं किया है, अगर पॉसिबल होता है तो इसको याद कर लेना, फायदा होगा इससे। ओके, दूसरी एक चीज ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ 72। तो इससे आप अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल 5 साल में डबल हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 72 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। या फिर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो अप्रोक्सीमेटली कितने साल में वो डबल होगा। सो जैसे 18% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, तो आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 4 साल में डबल होगा। मैं एक चीज बता देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये एक रूल ऑफ 72 को ध्यान में रख लेना। एक और चीज है, डिफरेंस बिटवीन SINCI आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। 3 ईयर्स का भी एक फॉर्मूला है लेकिन बहुत रेयरली उसकी जरूरत पड़ेगी, और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला याद मत करो आप। अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उस टाइम पे कैलकुलेशन कर सकते हो, कैट में तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप उससे कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम्स की। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपको या तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, या तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, या फिर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो हम अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, बट उससे पहले ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आपको दिया हुआ है,
कि अ पर्सन बाइज एन ओल्ड टेलीविजन सेट फ्रॉम अ फ्रेंड एंड एग्रीज टू पे रुपीज 1,000 इमीजिएटली एंड देन रुपीज 2,000 आफ्टर 1 ईयर. सो उसने 1,000 आज पे किया, टुडे उसने 1,000 पे किया, देन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसने 2,000 पे किया, राइट? एंड आफ्टर 1 मोर ईयर, दैट इज टोटल आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उसने 3,000 पे किया, करेक्ट? अब यहां पे लिखा है, एट व्हाट प्राइस डिड हिज फ्रेंड सेल द टेलीविजन सेट टू हिम इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज की डेट पे उसके फ्रेंड ने क्या यू नो वैल्यू काउंट किया है वो टेलीविजन सेट का. तो कैन आई से ये जो आपने आज 1,000 पे किया वो तो एज इट इज आज का ही वैल्यू हो गया, लेकिन आज से एक साल बाद जो 2,000 रुपए है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो कैन आई से अगर आज की वैल्यू एक्स है तो आप उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000 आएगा. तो सिमिलरली अगर 2,000 है तो उसको मैं डिवाइड बाई 1.1 करूंगा तो आज की वैल्यू आएगी. तो 2,000 डिवाइड बाई अगर हम 1.1 करते हैं तो हमें मिलेगा 1818.18. तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ये जो फ्यूचर में आप पे करने वाले हो अमाउंट उसका. सिमिलरली ये जो 3,000 आप 2 ईयर्स के बाद पे करोगे उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 1.1 के स्क्वायर से. तो अगर हम ये डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2479.34, राइट? तो दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, ठीक है? सो ये टोटल अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 5,297.5 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ओल्ड टेलीविजन सेट. तो यहां पे हमने क्या किया, जो फ्यूचर में हम पेमेंट कर रहे हैं उसका आज का वैल्यू गिना. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? सो आई रियली होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसको यूज कैसे करना है वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा उसको. सिमिलरली गाइज, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसका ये एग्जाम्पल एक देख लो. और आपको शायद अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको शायद याद भी आ रहा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे. और एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेटर से वो वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट कर लूंगा जो कि आपके पास अवेलेबल रहता है. अगर कैलकुलेटर नहीं है तो शायद थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम जाएगा, बट अगर हम कैट एग्जाम की बात करें तो उसमें तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब ये एक एग्जाम्पल देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 1,000, 2,000 एंड 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2020. सो वी आर इन्वेस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस ईयर. सो बिगिनिंग ऑफ ईयर 2020, देन 2021 एंड 2022, ठीक है? सो हमने 2020 के बिगिनिंग में 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है? फिर 2021 के बिगिनिंग में हमने 2,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड यहाँ पे 3,000 रुपीज इन्वेस्ट किया. और वो हमने किस पे इन्वेस्ट किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट था. व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट अक्रूड एट द एंड ऑफ ईयर 2022? एट द एंड ऑफ ईयर 2022, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैन आई से एंड ऑफ ईयर 2022 मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 2023 कह सकते हैं? आप 31st दिसंबर 2022 कहो या 1st जैन 2023 कहो, क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पे आप 2023 लिख सकते हो. हमें सबका वैल्यू निकालना है 2023 में. तो कैन आई से ये जो 2022 में मैंने इन्वेस्ट किया था उसका 2023 में वैल्यू क्या होगा? सो दिस मल्टीप्लाइड बाई आप क्या करोगे, 1.1 करोगे, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ेगा. ये जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसका यहाँ पे अच्छा ये कितना आ जाएगा, 3,300 आ जाएगा. बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, 3,000 इंटू 1.1. सिमिलरली जो ये 2,000 मैंने इन्वेस्ट किया था उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 के स्क्वायर से, दैट इज 1.21 से. तो ये कितना आ जाएगा, 2820 रुपीज आ जाएगा. सिमिलरली ये जो 1,000 हमने इन्वेस्ट किया था उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 के क्यूब से, क्योंकि उस पर हमें 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. तो ये कितना आ जाएगा, शायद मेरे पीछे जा रहा है बट मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ. सो आपको पता है दिस 1.1 का क्यूब होता है 1.331 इंटू 1,000, तो ये आ जाएगा 1331. तो इन तीनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो ये हो गया मेरा अमाउंट अक्रूड. तो ये आपका आ जाएगा 7,451 रुपीज. सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, के यू नो दिस क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, राइट? तो ये हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया. अगर आपको ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया, ट्रस्ट मी इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएंगे. और उसमें भी अगर सिंपल इंटरेस्ट पे है तो और आसान हो जाएगा. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पिक करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए. तो ये हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे. तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से.
तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो मैंने बताया था टाइप वन, जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है या फिर उसका कुछ कंपैरिजन हमें करना है। जैसे ये क्वेश्चन है कैट 2020 स्लॉट टू का, फॉर द सेम प्रिंसिपल, राइट, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 3% पर एनम बाई 1125 रुपीज। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो लेट्स अज्यूम प्रिंसिपल, यहां पे मैं प्रिंसिपल अज्यूम कर लेता हूं 100x। अब मैं 100x क्यों अज्यूम कर रहा हूं? कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, बहुत ज्यादा डेसिमल में ना चला जाए। तो यहां पे दो चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है 3 ईयर्स का 3% पे, तो कैन आई से 3 ईयर्स का 3% मतलब मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9% हुआ कि नहीं? माई सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे 9%। वॉट इज 9% ऑफ 100x? इट्स गोइंग टू बी 9x। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिला है 5% पर एनम के लिए 2 ईयर्स का। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक टेबल दिखाया था कि 5% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 ईयर्स है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 1.1025, या फिर टोटल परसेंट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो है 10.25%। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 10.25x। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? कहना इसे ये हो गया 1.25x और वो आपको दिया है 1125 रुपीज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सीधा पता चल जाएगा 125 8 1000 125 9 1125। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 टाइम्स, और पीछे 2 जीरो लग गए, तो ये x हमारा आ गया 900 रुपीज। तो 100x हमारा आ जाएगा 90,000 रुपीज। क्वेश्चन सॉल्व, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए आपको कैट एग्जाम में 60-70 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मैं बार बार ये जो टाइम आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान जल्दी से हो जाएंगे तो आप वहाँ पे टाइम सेव करते हो, तो दूसरे क्वेश्चन में आप वो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे आपको ऐसे कुछ कैलकुलेशन करना है या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करना है। अब ये कैट 2018 का स्लॉट टू का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लगता है बट ये क्वेश्चन एक्चुअली है बड़ा आसान, इट्स एन ईजी क्वेश्चन एक्चुअली, बट फिर भी इस क्वेश्चन को मॉडरेट कहा गया होगा। एक्चुअली जब पेपर आया होगा तो काफ़ी लोगों ने एनालाइज करते समय कहा होगा कि ये मॉडरेट है क्योंकि सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया गया है, बट अगर आप इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि गोपाल बोरोज रुपीज एक्स फ्रॉम अंकित एट 8% एनुअल इंटरेस्ट। तो अंकित से गोपाल ने बोरो किया, ठीक है, अंकित से गोपाल ने बोरो किया एक्स रुपीज एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो करेक्ट, सो गोपाल ने यहाँ पे, अरे अंकित ने कितना चार्ज किया होगा, कहने से 8% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.08x, 8% ऑफ एक्स है 0.08x। ही देन एड्स वाई रुपीज ऑफ हिज ओन मनी एंड लेंस रुपीज एक्स प्लस वाई टू ईशान एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गोपाल क्या करता है, ईशान को एक्स प्लस वाई रुपीज देता है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, तो 10% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.1। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा, गोपाल ने ईशान को कितना दिया, तो उसने 0.1x प्लस 0.1y इतना उसको इंटरेस्ट मिला होगा। सी अंकित को गोपाल से कितना इंटरेस्ट मिला, 0.08x, गोपाल को ईशान से कितना इंटरेस्ट मिला, इतना इंटरेस्ट मिला होगा, राइट, उसने x प्लस वाई रुपीज दिया था तो उसको इतना इंटरेस्ट मिला। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यू, ओके, अब यहां पे अगर गोपाल अंकित का ड्यू दे देता है तो क्या हो जाएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहां पे 0.08x आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो गोपाल के पास कितना बचा, 0.02x प्लस 0.1y, इतने रुपए बचे, उसने अंकित का ये ड्यू दे दिया तो उसके पास इतना बचा है, जो ईशान से इनकम हुआ था उसमें से उसने गोपाल का ड्यू दे दिया तो उसके पास 0.02x प्लस 0.1y रुपीस बचा है। द नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय गोपाल इज सेम एज दैट अक्रूड टू अंकित, कैन आई से ये जो इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, तो अंकित को जो इंटरेस्ट मिला है उसके बराबर, अंकित को कितना मिला है 0.08x, सो दिस इज इक्वल टू 0.08x। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये रिलेशन दे दिया गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.08 माइनस 0.02 इज 0.06x इज इक्वल टू 0.1y, और आई कैन से x बाय y इज इक्वल टू 10/6, आप इसको 5/3 भी कह सकते हो, 5/3। तो मुझे x और y का एक रिलेशन मिल गया इससे, ये जो मेरी पूरी लाइन थी उससे मुझे सिर्फ x और y का रिलेशन मिल गया।
हालांकि हमें उसको अभी यूज बिल्कुल नहीं करना है, हम उसको साइड में रख देते हैं। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, अब हम आगे का डेटा पढ़ते हैं। लेट्स रीड फर्दर। अब आगे क्या कहा है, ऑन द अदर हैंड, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, इट इज एवरीथिंग एल्स, दिस इज डन, राइट। ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लैंड एक्स प्लस टू वाई टू ईशान। देखो, गोपाल ने पहले एक्स प्लस वाई लैंड किया था 10% पे, उसकी जगह पे अगर वो एक्स प्लस टू वाई ईशान को देता है, ठीक है ना, देन द नेट इंटरेस्ट रिटेन बाई हिम वुड हैव इंक्रीज बाई ₹150। तो कैन आई से अगर वो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वाई रुपीज का डिफरेंस है, तो उसको 0.1 वाई जितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू दिस ₹150। दिस इज वॉट दे आर सेइंग। सो वॉट दे आर सेइंग इज वाई इज इक्वल टू 1500। इफ वाई इज 1500, इफ थ्री इज 1500, सो फाइव हैज टू बी 2500। सो वॉट इज टोटल एक्स प्लस वाई, इट्स 4000, एंड दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, इट्स 4000। आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। द ट्रिक वॉज, द क्वेश्चन वॉज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट यू हैड टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, देन यू हैड टू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ वाई। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू विल फाइंड आउट टोटल। हाउ डिड वी गेट वैल्यू ऑफ वाई? सो दे मेंशन दैट अर्लियर गोपाल लेंड एक्स प्लस वाई रुपीज टू ईशान एट 10%, नाउ गोपाल इज लेंडिंग एक्स प्लस टू वाई टू ईशान एट 10%। सो गोपाल इज लेंडिंग वाई रुपीज एक्स्ट्रा टू ईशान एंड ही इज गेटिंग ₹150 एडिशनल एज द इंटरेस्ट। So what is 10% of y? It is 150. So y has to be 1500. So that's how we got value of y and x. So I really hope you have understood this. See, the question was looking challenging, but it was not. So once again, I'm trying to tell you that, you know, CAT exams, CAT questions are not very difficult, right? Try to understand them. There will be, again, out of, if there are 22 questions in the paper, there'll be about 4 questions that you would like to leave straight away. Remaining 18 questions are actually doable. Okay, now it completely depends on your level of preparation and whether you are getting the thought at that time or not, right? Okay, sure. So let's take few more questions. Now we are moving to variety 2. And this is very interesting because very frequently the questions have been asked. In fact, in CAT 2021 slot 1, this question was asked. Okay, which requires, which is about comparing a compound interest for two different years. So let's see how to tackle this question, and I'll give you one shortcut for this. So Anil invests some money at fixed rate of interest compounded annually. If the interest accrued during second year and third year are this and this respectively, then the interest accrued during the fourth year is nearest to. Now guys, the answer to this question is actually very simple. What you need to do is you just need to divide 866.72 by 806.25. So you will get this value as 1.075. And your answer is straight away 1.075 into this 866.72. So it will come out to be 931.72. Now you'll ask, sir, what did you do? I didn't get anything. Right. So let's understand the concept. Now here you need to understand one thing. Guys, interest accrued during second year and third year. Okay. So can I say compound interest after third year is given as 866.72. Okay. Or let me just write it this way. Compound interest after third year is, can I say, it's compound interest after second year into 1 plus R. Can I say this way? Guys, please understand one thing before that. You know, growth in amount, growth in amount is same as growth in compound interest, growth in CI. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू वुड वंडर के सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हम तो अमाउंट के साथ में लिखते हैं ना, अमाउंट इनटू 1 प्लस आर रेस टू एन, फिर अगर हमें एन प्लस 1 के लिए फाइंड करना है तो और एडिशनली 1 प्लस आर से फाइंड करेंगे। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट अगर आपका 1 प्लस आर से ग्रो हो रहा है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 1 प्लस आर से ही ग्रो हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल लेके ये चीज चेक कर सकते हो। टेक वन प्रिंसिपल, टेक द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट डाउन द सीआई, राइट डाउन द अमाउंट्स एंड सी सी आई कितने से ग्रो हो रहा है, अमाउंट भी उतने से ही ग्रो हो रहा होगा, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी सेम। सो नाउ इन नटशेल आई कैन स्ट्रेट अवे से कि कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर इन टू 1+R, दिस इज नथिंग बट ग्रोथ फैक्टर, राइट। सो आई कैन से सी आई, और आई कैन से 1+R इज इक्वल टू सी आई आफ्टर थर्ड ईयर अपॉन सी आई आफ्टर सेकेंड ईयर, विच इज नथिंग बट 866.72 upon 806.25, which as I mentioned 1.075, right? So this is the value of 1 plus R. Now what we need to find out? We need to find out CI after fourth year.
सो इट हैज़ टू बी सी आई आफ्टर थर्ड ईयर इन टू दिस ग्रोथ फैक्टर 1+R, दैट इज 1.075. सो वॉट वी हैव टू डू इज 866.72 इंटू 1.075. ऑफकोर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज कैलकुलेटर एंड यू विल गेट आंसर एज 931.72. दैट इज ऑप्शन सी. आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू टैकल सच क्वेश्चन. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड सिमिलर कॉन्सेप्ट बट इट्स इन अ डिफरेंट वे. इट्स नॉट द रेप्लिका ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू गेट मोर क्लैरिटी. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन एवरी वन. अ पर्सन डिपॉजिटेड पी रुपीज इन अ बैंक एट आर परसेंट पर एनम इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट बींग कंपाउंडेड एन्युअली सच दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेवेंथ ईयर एंड थर्टींथ ईयर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली विद द सेम प्रिंसिपल पी and same rate of interest r percent compounded annually, the amount at the end of 14th year will be how much percent more than amount at the end of 11th year. Now please understand, in the first part they have spoken about compound interest after 13th year and 7th year. In the second part they are talking about amount, but as I said, growth in the amount is same as growth in compound interest. Remember this part. So you can replace all this amount by CI at the end of 14th year is how much percent more than CI at the end of 11th year. You find this and you will get the same answer. No worries. Okay. Now, before we solve this question, guys, I just want you to understand one very simple concept. If I invest rupees X, okay, and after 3 years, if it becomes 2X, I invested at CI, okay, after 2 years, it became 2X. So you will say it is being multiplied by 2 in 3 years. In 3 years, it is becoming double. That means after every 3 years, it will keep becoming double. So it will become 4x, and after 3 more years, that is after 9 years, it will further become double, that is it will become 8x. Are you all able to understand this? Right. So let's use this principle to solve this question. Here, can I say 7 to 13, this is a period of 6 years. In 6 years, you know, it is becoming 9 times, because 789 into 9 is 7101. Do you agree with this? So it is becoming 9 times. So let me just write down over here something. Okay, in 6 years, it is becoming 9x. X has become 9x. So can I say in 3 years, it must have become 3x? So it is being multiplied by 3 in every 3 years. So after 3 more years, it will further multiply by 3. After 9 years, it will further multiply by 3. It will become 27 times and so on and so forth. So what I understood is, my compound interest or my amount becomes 3 times in 3 years. This is the crux of this question. So our question is very simple. Amount at the end of 14th year will be how much percent more than amount at the end of 11th year? So can I say amount or simple interest, whatever you take, amount at the end of 14th year will be equal to 3 times amount at the end of 11th year, because in 3 years period, it is going to become 3 times. Right. So can I say if a value becomes 3 times, it's a growth of 200%. So that means this has grown by 200%. The answer is this much. We haven't done much calculation over here. It's a very simple concept based question. So I really hope you have understood how to compare the CI or amounts in across different years. Okay, this was variety T2. Now let's go ahead with the third variety, which is about installments, right? And where we'll require to use that future value and present value concept, but it's very simple. In many books you will find some formulae, but I'll suggest ki before you use those formulae, try to understand the concept, okay, and then you will derive formula by your own. So let's look at this question, which is straight from CAT 2018 slot 1. So the question says that John borrows 2,10,000 from a bank at an interest of 10% per annum compounded annually, okay. The loan was repaid in 2 equal installments. The first after 1 year, so after first year I paid X rupees, and second after another year, so end of, I can say end of first year, end of second year, so I paid again X rupees, okay. The first installment was interest of 1 year plus part of the principal payment, while the second was the rest of the principal amount plus due interest. Guys, this is fact, okay. I mean, there is no information, but there is nothing that you need to consider in these lines. This is a fact. Well, this is how you pay, calculate the installments. Okay, so you don't need to worry about that. We just need to find out value of each installment. So guys, this is the present time. Okay. Guys, my present loan amount is 2,10,000 rupees. Okay, 2,10,000 rupees.
सो लेट मी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट. सो द अमाउंट और द यू नो इंस्टॉलमेंट विच इज एक्स रुपीज आफ्टर वन ईयर, वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस. सो वेन यू आर ब्रिंगिंग टू द प्रेजेंट यू विल डिवाइड बाई समथिंग. सो आफ्टर वन ईयर इट वॉज एक्स रुपीज, सो द प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% पर एन एम आई हैव टू डिवाइड बाई 1.1. सो कैन आई से दिस प्रेजेंट वैल्यू इज एक्स अपॉन 1.1. सिमिलरली दिस प्रेजेंट वैल्यू विल बी डिवाइड बाई 1.1 स्क्वायर, दैट इज आई कैन से एक्स अपॉन 1.1 स्क्वायर. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस 2,10,000 रुपीज इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स अपॉन 1.1 प्लस एक्स अपॉन 1.1 स्क्वायर. वेरी सिंपल. So now how to solve this question, don't jump to calculator. What we can do is we can multiply the complete equation by 1.1 square. So can I say on the left hand side we'll get 2,10,000 into 1.1 square, which we know 1.21, and this will be equal to 1.1x plus x. So can I say this is nothing but equal to 2.1x? So straight away this 2.1 will get cancelled off over here and we will get this as 1 lakh into 1.21. So this will come out to be 1,21,000 rupees. So each installment is of 1,21,000 rupees. Very simple question. I really hope you have understood this. Okay, this was based on compound interest. Okay, let's take one more question, guys. So now this question, three equal installment of rupees 1000 each paid at the end of the year discharge a sum borrowed at 20% compound interest compounded annually. Find the sum borrowed. Matlab, I borrowed something, say P rupees right now. Okay. And I paid 1000 rupees each at the end of first year, second year and third year. Okay. So can I say this is the present value and I need to bring everything in the present? Right. So once again, can I say this is going to be the same question? What you do is you just do it this way. Right. Okay. So can I say my principal has to be equal to, or the sum borrowed has to be equal to 1000 divided by 1.1 plus 1000 divided by 1.2 plus 1000 divided by 1.3. Sorry, guys, what am I writing? It's 20%. So 1.2 square and 1.2 cube. I'm sure you must have surprised what sir is writing, right? Okay, so guys, just solve this and you will straight away get this value as 2106.48. Of course, you can use calculator for this. So this was very simple question, concept based. Whatever time you spend in calculation, that's the only time you will require, right? Okay, so let's take one more question. And this question is based on simple interest. Okay, and it is on future value. So we have discussed present value, compound interest. Now we are taking future value, simple interest. So all the concepts are cleared. Okay. Guys, just one thing. Don't forget to hit the like button. In case if you haven't done it now, please do it before it gets over. Okay. And don't forget to share it with all your friends. Do let me know how are you finding these videos in the comment section. Right. So Ranjan has to discharge a debt of 46,000 due in 4 years. By paying 4 equal annual installment. Now due in 4 years matlab the future value of that debt is 46,000. Here we are talking about future value, right? By paying 4 equal annual installment each paid at the end of first year. So guys, at the end of first year I am paying say x rupees, at the end of second year I am again paying x rupees, third year I am paying x rupees, and at the end of fourth year I am paying once again x rupees. Okay. And the rate of interest is 10% per annum. And the total that will be, the total amount due, okay, is given as 46,000. Okay, this question is going to be extremely simple. Okay, by looking at the numbers, we can make out. So can I say this is paid as it is, this goes as it is for this one, right? What we need to do is, I mean, this X is at the end of fourth year. And this is also at the end of 4 years. So we don't need to multiply or divide by anything. Can I say this X, the amount that the installment that I'm paying after 3 years will become 1.1X after 4 years, because it will, get 1 year's interest. Okay. Right. It will fetch 1 year's interest. Similarly, this will fetch 2 years interest. So into 1.1 square, this will fetch 3 years interest. By the way, this is simple interest, so no, this is wrong.
सो दिस विल बी डेफिनेटली 1.1, दिस विल बी व्हाट 1.2 एंड दिस विल बी 1.3 बिकॉज 3 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इज 30%, सो 1.3 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. 2 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इज 20%, सो 1.2 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट. सो दिस विल कम आउट टू बी 1.2x एंड दिस विल कम आउट टू बी 1.3x. इफ आई जस्ट एड दिस वन इट विल कम आउट टू बी 4.6x which is equal to 46,000. So x has to be 10,000. So my present value or the sum borrowed has to be 10,000 rupees. That's our answer. Guys, if you have understood this 7-8 problems that I have explained and this varieties, the three varieties that I spoke about, trust me, you will be able to tackle most of the questions in CAT and other entrance exam. So make sure that you have thoroughly understood this. If you want, you can practice few more questions and you try to bifurcate them in the three varieties that I have mentioned. It will definitely simplify your task. So I really hope you would have enjoyed this video. Before we wind up, just want to quickly tell you, in case if you want to prepare under my guidance, if you are preparing for next year's CAT or IPMAT kind of exam, you can go for Plus or Iconic subscription for more comprehensive preparation. Don't forget to use my code CHARTEN so that you can get many more benefits and my guidance, right? Apart from that, the new batches are starting every month. So yeah, whenever you want to start your preparation, just go for Plus or Iconic using code CHARTEN. So keep learning with us, guys, and stay connected with me through my Telegram channel. This is the QR code of my channel and you can also find the link in the description. Do let me know, how did you find this video? Was it helpful? Was it fast? Was it slow? So I'll be waiting for your comments. That's it from this video. Stay tuned for more.